कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी पार्टी पर बेहद तीखा हमला बोला है। उसका मानना है कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी एक ही बिसात पर राजनीति करती हैं, एक सांप्रदायिक तो दूसरी जाति की राजनीति में लगी हुई है। दोनों में मुख्य तौर पर कोई अंतर नहीं है। जो है वो आप लोगों के लिए अचानक से आक्रामक है, समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव तो कहते हैं दिल्ली से एजेंडा नहीं चलेगा। नहीं देखिए, समाजवादी और भाजपा एक हद तक एक ही बिसात पर खेल रहे, क्योंकि दोनों का फायदा उसी तरह की राजनीति से हो रहा है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि जनता का फायदा होना चाहिए, विकास होना चाहिए, विकास के मुद्दे उठने चाहिए। तो ये जो जो पार्टियां सांप्रदायिकता और जातिवाद की वजह से जिनका जो आगे बढ़ती हैं, उनका तो एक ही खेल होता है, तो दोनों एक दूसरे का फायदा ही करते हैं, और क्या होता है। तो आपको दोनों में कोई फर्क नहीं दिखाई दे रहा आज? मुख्य तौर पर नहीं। तो आप मुख्य ओपोनेंट किसको मान रहे हैं वहां पे? आप ऑब्वियसली बात है, पहला तो हमारा मुख्य ओपोनेंट बेरोजगारी है, महंगाई है, जो प्रदेश में परिस्थितियां हैं, किसानों की परिस्थितियां वो है, ये हमारी मुख्य चुनौती है और यही हमारी मुख्य ओपोनेंट है और इन्हीं के खिलाफ हम लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी पार्टी और बीजेपी को एक समान ऐसे समय बताया है जब ये दोनों दल एक दूसरे पर सीधा हमला बोल रहे हैं, दोनों दल एक दूसरे के नेताओं को अपनी ओर ला रहे हैं और निजी हमले से भी नहीं चूक रहे हैं।